हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज है 7 नवंबर, छठ पूजा वाला दिन। तो हम पूरा रिकॉर्ड करेंगे जो भी तरीके से हम छठ मनाते हैं। बहुत लोगों को लगता है बस बिहार में छठ होती है, बट नहीं, यूपी की साइड भी बहुत जगह छठ पूजा मनाई जाती है। सो हम उसी को कवर करेंगे। बहुत लोग इसको 4 दिन का मनाते हैं भैया दूज के बाद से, और कुछ लोग दिवाली के छठे दिन मनाते हैं, जो कि हम लोग जैसा मनाते हैं। मैं वैसा दिखाऊंगा, हमारा 2 दिन का फेस्टिवल होता है। सो बहुत चीज़ें होती है इसमें, बहुत सारे फल फ्रूट की पूजा होती है, वो चढ़ाते हैं। मेन जो इसका मेन प्रसाद है, खस्ता बोल रहा हूँ, ठेकुआ, काइंड ऑफ दोनों सेम ही होता है, लेकिन ठेकुआ बोलते हैं उसको। वो मतलब लोग भी पूजा के बाद आके मांगते हैं, ऐसी पूजा है ये कि प्रसाद लोग आके ले जाते हैं ठेकुआ की वजह से। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा फेस्टिवल है, और बहुत ज़्यादा भक्तिशील हो जाते हैं लोग इसमें, और सॉन्ग्स वगैरह जो भी होते हैं भोजपुरी में, और बहुत ज़्यादा अच्छे सॉन्ग्स बनते हैं इस पर्व के ऊपर। और बहुत सारी मिथोलॉजिकल कहानी भी हैं, बहुत लोग इसको रामायण से भी रिलेट करते हैं, महाभारत से भी रिलेट करते हैं, बहुत कहानियां हैं। वो तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, बट जैसा भी आप और भी यूट्यूब पे सर्च करके कहानियां सुन सकते हैं। बट मैं बस अभी ये दिखाना चाहता हूँ कि ये पर्व हम कैसे मनाते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, क्या पूजा रहती है। तो ये आज 7 तारीख है, तो आज से फास्ट शुरू हो जाता है। शाम को लोग जाते हैं घाट पे, टोकरी में बांस की जो लकड़ी टाइप की टोकरी रहती है, उसमें सब कुछ प्रसाद वगैरह फल वगैरह जो भी चढ़ाते हैं हम, वो ले जाते हैं घाट पे। तो अभी तो यहाँ पे दिल्ली में तो आसपास ऐसा कोई घाट नहीं है। पहले हम यमुना नदी जो भी है वहाँ पे, नहर के बगल में थोड़ा सा जगह होता था, सो वहाँ पे करते थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा अलग हो चुका है वहाँ पे सीन, मतलब बहुत सेफ्टी इशूज़ भी रहते हैं। सो यहाँ पे लोग आसपास बहुत जगह रहती है खाली ग्राउंड टाइप, तो वहाँ पे गड्ढा करके पानी भर देते हैं, ताकि अर्घ वगैरह जो देते हैं हम इस पूजा में वो कर सकें। सो इसमें मेनली सूरज देव की पूजा होती है, और छठी मैया की होती है, जो कि सूरज देव की बहन मानी जाती हैं कहानियों के हिसाब से। सो अगर इसको हम साइंटिफिक उसमें देखें, तो इस टाइम पे सूरज की जो रेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को और अच्छा कर देती हैं, हवा वगैरह को अच्छी तरीके से इफेक्ट करती हैं। साइंस से रिलेट करें तो ऐसा कुछ है, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कहानियाँ हैं। सो मेन तो हम भाई प्रसाद के लिए, जो ठेकुआ होता है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं इस टाइम पे, और मेरे दोस्तों ने तो मुझे पहले ही धमकी दे रखी है, भाई अगर पूजा के बाद हमारे घर पे नहीं पहुंचा प्रसाद तो फिर देख लियो। सो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं हम इस फेस्टिवल में। आज शाम को हम जाएंगे यहीं आसपास जो ग्राउंड में हम बेदी बनाते हैं, मतलब काइंड ऑफ मिट्टी का कुछ ऊंचा सा पहाड़ टाइप बनाते हैं, छोटा सा ही। बहुत लोग ईंटों का भी बनाते हैं, वो डिपेंड करता है उनकी मर्ज़ी है कितना बड़ा कितना छोटा बनाना होता है। सो उस पे हम जाके पूजा वगैरह करते हैं, और शाम को सनसेट के टाइम सूरज की पूजा करते हैं, और फिर हम वापस आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सनराइज से पहले वहाँ पे जाके, फिर सनराइज जब होता है तो सूर्यदेव को अर्घ अर्पित करके, जो कि दूध चढ़ाते हैं काइंड ऑफ, वो करके हम वापस घर आ जाते हैं। उसके बाद हम खाना खा सकते हैं, मतलब जो भी व्रत होता है, मेनली मेरी मम्मी रखती हैं। सो अभी उनसे भी पूछेंगे क्या क्या सीन रहता है, बाकी जितना मुझे बेसिक नॉलेज थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी हम दिखाएंगे भी क्या क्या हो रहा है, अभी अभी शूट भी करेंगे कैसे कैसे ठेकुआ बनाते हैं, मतलब रेसिपी तो नहीं बताऊँगा ऑफकोर्स। सो जो भी है, जैसा भी, अभी तक यही सीन है, और मुझे लगता है बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये व्लॉग देख के, क्योंकि बहुत लोगों को अभी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस पूजा के बारे में, और मेरे फैमिली मेम्बर्स भी बहुत खुश होंगे ये व्लॉग देख के। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छा लगे, और अगर ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप यूट्यूब पे और भी वीडियो सर्च कर सकते हैं। अभी थोड़ा माहौल रहता है इस पूजा में, मेनली तो यही रहता है, लोग आते हैं मिलते हैं, बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहे रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे भोजपुरी सॉन्ग्स रहते हैं इस पूजा के रिलेटेड। सो बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब रहती है, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, मैं ऐसे मतलब एक्सप्रेस तो नहीं कर सकता, बट हाँ आप लोग अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको भी एक अलग एहसास होता है। अगर किसी के दोस्त हो तो उनके घर पे जाइए, उनके साथ ये सेलिब्रेट करके देखिए, बहुत आपको भी अच्छा लगेगा, और मुझे लगता है इस व्लॉग के थ्रू बहुत लोगों को अच्छा लगने वाला है, मेनली मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी अच्छा लगेगा। मैंने ये व्लॉग बनाया, पूजा का पूरा डिटेल्स बताई, बाकी जो भी है जैसा भी है सब कुछ आपको डिटेल में दिखाएंगे, जो भी हम जितना दिखा पाए। और अभी तो मेनली मैं अभी व्लॉग ही वो कर रहा हूँ, रेंडरिंग पे है, एक्सपोर्ट हो रहा है, बट बहुत टाइम लगा रहा है भाई, 17 मिनट का, लेकिन टाइम बहुत ले रहा है। और ये मेनली मैं इस व्लॉग के बाद ही जाएगा। सो हाँ, ये व्लॉग भी देख लेना अगर आपने ये व्लॉग अभी देखा है। सो फिर अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, जो भी जैसा भी होगा सब कुछ दिखाते हैं आपको। डाल देती हूँ।
दोस्तों देख सकते हो आप, आज छठ पूजा है और हम फिर से ड्राइवरी वाले काम पे, मतलब अभी तो पॉल्यूशन बनवाने गया था भाई, पॉल्यूशन का इतना बड़ा चालान है कौन भरेगा। सो या कल एक्सपायर हुआ था, आज हमने पॉल्यूशन बना लिया है और हम सेफ्टी बेल्ट के साथ चलते हैं भाई। सो अभी जल्दी से हम घर पहुँचते हैं क्योंकि छठ पूजा के लिए हमें जाना है जहाँ भी हम बनाने हैं, अभी मुझे कन्फर्म नहीं है कहाँ पे जाना है। सो अभी जाते हैं वहाँ पे, सारा सामान ले जाना है भाई, उसकी वीडियो बनाएंगे अगर बन सके तो, बाकी बस 5 मिनट में घर पहुंचता हूं और निकलते हैं फिर। सो कुछ ऐसा गार्डन है यहाँ पे, बीच में गड्ढा करके पूल टाइप बना रखा है, यहाँ पे आसपास सब पूजा कर रहे हैं, घर के पास में ही है ये। सो कुछ ऐसा सीन रहता है, ये जो गन्ने लगे हुए हैं ये कुछ कोसी भराता है, मतलब मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता बट हाँ कोसी करके कुछ बोलते हैं, तो उसके लिए लगाते हैं लोग, हमने नहीं लगाया क्योंकि हमने वो नहीं किया। तो कुछ ऐसा ये पूल टाइप बना रखा है जिसमें लोग खड़े हैं और ये हाथ में सूप या सुपेली जो भी आप बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, इसमें अब कोई भी दूध डालेगा, मतलब घर का कोई भी डाल सकता है या अगर घर का कोई नहीं है तो दूसरे डालते हैं। सो इसी को अर्घ देना बोलते हैं। सो ये अभी सनसेट के टाइम हो रहा है, अब यही कल सुबह भी हम करेंगे जो कि सनराइज के टाइम होगा, सो वो भी दिखाएंगे आपको। इट इज़ मॉर्निंग टाइम भाई, अभी जा रहे हैं सुबह सुबह। सो जो भी होता है दिखाता हूँ, मस्त जैकेट डाल लिया, थोड़ी सी हल्की सी ठंड भी है। सो चलते हैं, छोड़ के आते हैं इन लोगों को, मतलब आना तो है ही नहीं, छोड़ नहीं चलते। सुबह लोग कम आते हैं एज कंपेयर टू शाम को। तो अभी आपने देखा होगा जो भी थोड़ा बहुत मैंने दिखाया वो मॉर्निंग का सीन था कुछ ऐसा, अभी जब तक सनराइज नहीं होता सब लोग इधर ही रहेंगे। मैं निकला, मतलब उठा तो मैं 4:30 से थोड़ा पहले ही था, मतलब उठा गया सोया ही 3 बजे में, तो वही काइंड ऑफ। सो जो भी है जैसा भी है, अभी सनराइज के टाइम पूजा होगी फिर उसके बाद सब घर जाएंगे, देखते हैं कैसा होता है, चलते हैं अभी तो घर पे और भी लोगों को लेने, वही ऑलवेज ड्राइवरी वाला काम। सनराइज हो चुका है और ये है कुछ मॉर्निंग का सीन, पूरा खचा खच भरा हुआ है भाई जो ये पूल बनाएगा, और इसी में लोग अर्घ दे रहे हैं सूर्य देव को, और इतना सारा भीड़ है भाई, अभी तो मेरे खड़े होने की जगह नहीं है, हम निकलते हैं यहाँ से, और मेन तो यही था, अब इसके बाद हम सब घर जाएंगे। हे दोस्तों, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा, आपको छठ पूजा के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, बेसिक मोटिव यही था कि हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं ये दिखाना। सो अभी पीछे व्लॉग एडिटिंग चल रहा है, मतलब एडिटिंग चल रही है अभी, थोड़ी धीरे धीरे चल रही है, मैं अभी 2 दिन बाहर ही रह गया था, मतलब
मैं रो ही नहीं गया था कॉलेज, फिर वहीं से प्रसाद बांटने चला गया लोगों को, तो वहीं रुकना पड़ गया मेरे को कल। सो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया व्लॉग। अब हम डालेंगे इसको संडे को, होपफुली कल संडे को डल जाए। कल क्या, आज ही हो गई, अभी 1:30 बज रहे हैं। सो या देखते हैं, जो भी होता है जैसा भी होता है। पीछे व्लॉग एडिटिंग चल रही है, ये लास्ट क्लिप है, इसको एडिट करके डालते हैं। फिर और भी प्रोसेसेस रहते हैं भाई, ये रेंडर करने में इतना टाइम लेता है। बाकी जो भी है जैसा भी है, इसको पहले डालते हैं। एक और व्लॉग एडिट हो रखा है, उसको भी हम डालेंगे। और CSI वाला व्लॉग भी मे बी जल्दी आएगा मेरे चैनल पे, नहीं तो दूसरे चैनल पे। मैं ये बहुत देर टाइम से बोल रहा हूँ, लेकिन अब तो आ ही जाएगा मुझे जहाँ तक लगता है। सो जो दूसरा व्लॉग एडिटेड है, उसको नेक्स्ट वीक डालते हैं। अभी तो ये जाएगा, तो इस वीक इसको चलने देते हैं। सो देखो, शेयर करो और लाइक करो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।